पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जैसे पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह से मालूम है कि रामपुर के अंदर जो प्रशासन जिस तरह के जुल्म और ज्यादतियाँ मुसलमानों के रहनुमा जनाब आजम खान के ऊपर उनके तमाम इदारों के ऊपर कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से रामपुर के अंदर एक बहुत खूबसूरत गेट उर्दू गेट को तोड़ दिया गया, जिस तरह से रामपुर पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल के बच्चों को कान पकड़ के उठाकर बाहर कर दिया गया, उसके खिलाफ हम ज्ञापन देने आए हैं। हम उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को दीवार तोड़कर एक रास्ता बनाया गया जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के लिए, हम उसके लिए ज्ञापन देने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, टंकियों से पानी को काट दिया गया, बच्चों को पानी से तरसा दिया गया, शायद ऐसा काम कभी हिटलर ने भी नहीं किया होगा जो ये सरकार हम मुसलमानों के रहनुमा के ऊपर और उनके बनाई हुई इदारों के ऊपर कर रही है। हमारी डिमांड है कि जब तक ये प्रशासन, ये डीएम, ये एडीएम और वो लोग जिनके तमाम जिनके फोटो हैं इस कार्रवाई में, उनको राष्ट्रपति महोदया हस्तक्षेप करके, हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त साहब हस्तक्षेप करके इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाएंगे, उस वक्त तक यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता।